लोगों ने देखा। अब मैं इसके बारे में बात करूंगा दोस्तों, इसके अंदर मौजूद चीजें, तो इसके कॉम्पोजिशन की अगर बात करेंगे तो कॉमनली इसमें सोडियम फॉस्फेट होता है, जो कि सोडियम एसिड फॉस्फेट 10 ग्राम और सोडियम फॉस्फेट 8 ग्राम। अब ये मेरे पास पैक है, ये इसकी बारे में मैं कह रहा हूँ। हर कंपनी का अपने अपने उसूल, हर कंपनी अपने अपने अंदाज में बनाती है। अब बात करूंगा दोस्तों मैं इसका काम क्या होता है। ये दोस्तों बॉयल की यानी जो इंटेस्टाइन्स है हमारी, उसकी जो मूवमेंट है जो कि रुक चुकी है, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। एज ए लेजेटिव का काम करता है, हम ऐसा कह सकते हैं, लेजेटिव का काम करता है। और ये याद रखे सिर्फ और सिर्फ रेक्टम यूज होता है, इसको इंटरनल नहीं किया जा सकता, इसको और तरीके से इस्तेमाल इंडिकेशंस की। तो इंडिकेशंस यानी कि कब कब इसको इस्तेमाल में लाया जाता है दोस्तों, सबसे ज्यादा कॉमन चीज यही है कि इसको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, यानी कि मोशन अगर साफ नहीं हो रहा है, बॉडी अगर साफ नहीं हो रही है, तो ऐसे वक्त में एक्यूट कंडीशन के अंदर कुछ दवाइयों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि पीने वाली दवाइयाँ जो डलकोलेक्स वगैरह आप लोग जानते होंगे, या फिर कोई टैबलेट आती है। तो आप इस अलग अलग तरीके के फॉर्मूले इस्तेमाल करिए, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी को यानी कि मोशन हो ही नहीं रहा है, तो ऐसे वक्त में जो है इनिमा की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि रेक्टम का इन्वेस्टिगेशन है, खासकर दूरबीन के जरिए से, जो रेक्टम के जरिए से जो है कोलोन का या फिर आंतों का दूसरे हिस्सों का जो एग्जामिनेशन होता है, जिसको हम लोग रेक्टोस्कोपी कह सकते हैं, तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल है। और बच्चे की डिलीवरी से पहले यानी डिलीवरी से पहले भी जो है इसका बहुत अच्छा रोल होता है। और इसके अलावा सर्जरी है और कोलाइटिस है, कन्वल्जन है, पीडियाट्रिक्स के अंदर भी इसको इस्तेमाल में आता है, डायबिटिक कोमा के अंदर इसका इस्तेमाल में लाया जाता है, और बहुत सारे लोग इसको एज अ डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिटेंशन अगर है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आपको याद रखना है कि इनिमा कब आपको यूज नहीं करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। जी हाँ दोस्तों, हेमरेज अगर है यानी ब्लीडिंग अगर हो रही है एनाल रीजन से, तो ऐसे वक्त में दोस्तों आपको ये इनिमा नहीं यूज करना चाहिए। दूसरी चीज, अपेंडिसाइटिस में भी एक्सपर्ट के मुताबिक इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही पेरिटोनाइटिस के अंदर भी इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है हमारे बॉडी के अंदर है, उसमें कमी बेशी हो सकती है, माइल्ड जो है बर्निंग सेंसेशन है, जलन या चुभन या दर्द हो सकता है, अगर आप लुब्रिकेट इस्तेमाल ना करें, हो सकता है। मे भी किसी को ये सेंसिटिव होते हैं, लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा और पेट में दर्द भी बना रह सकता है। तो बात करें इसके दोस्तों अवेलेबल की, तो ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि बेहतर हमेशा यही होता है कि हम एक अच्छे डॉक्टर की सलाह से और उसके निगरानी में ही हर काम करेंगे, तो हमें फायदा होगा, वरना नुकसान भी हो सकता है। और वही बात इसकी एमआरपी की, तो अब ये जो कंपनी का 100 ml में 75 इसकी एमआरपी है, लेकिन हर कंपनी की अपनी अलग अलग होती है, लेकिन लगभग यही इसकी प्राइस या एमआरपी होती है। तो ये था दोस्तों इनेमा के बारे में, यानी सोडियम फॉस्फेट इनेमा के बारे में अहम जानकारी, प्रोसीजर भी बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया। आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, पूछना है तो जरूर पूछ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो हम प्रोसीजर के साथ बनाते रहते हैं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।